विंदुलू, अम्मा की आवाज ना गई नहीं है, उनके गले में ही है। उन्होंने स्वयं स्वयं ही मौन व्रत धारण किया है। वही तो जीजा जी, आवाज गले में तो है परंतु इतने दिनों से फंसी पड़ी है, जिसे मैं निकालना चाहता हूँ। गोविंदुलू देखो, तुम अम्मा के मौन व्रत को नहीं समझ पाए ना, इसलिए अब से तुम मौन रहना। मौन रहना जी, 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 जी। गोविंदुलू, अम्मा बोल सकती हैं, परंतु उन्होंने स्वयं से मौन व्रत लिया है। हाँ। ऐसा आप सबको लगता है, परंतु सत्य तो ये है कि जब तक आवाज गले से बाहर आएगी नहीं, तब तक वो बोलेंगी कैसे, और मैं उन्हें उनकी खोई हुई आवाज वापस दिलाऊंगा। अरे अम्मा, आप हिल रही हैं या कांप रही हैं? हमें संकेत करके बताइए ताकि हमें ज्ञात हो सके। देखो शारदा, जो कार्य कोई नहीं कर पाया वो तुम्हारे इस भाई ने कर दिखाया। मेरी अम्मा को डरा दिया। जगुंडा पे जल लेकर आ। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा शांत हो जाओ, सब ठीक है। ला ला ला, जल्दी ले पियो। कहा था ना कि मेरा भाई सबसे अलग है, इसलिए वो सारे काम भी अलग अलग करता है। इसलिए अपने इस अलग से भाई को कुछ दिनों के लिए मुझसे अलग ही रखना। मेरा दिमाग सही नहीं है, बता रहा हूँ। तो जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ ताकि मेरा मस्तिष्क चलना शुरू हो और गुरुवार वहाँ क्या सोच रहे होंगे ये मैं सोच पाऊँ। अम्मा तुम चिंता मत करो, जाप करो। हाँ मैं हूं ना। गोविंद, तू इनकी बात मात्र सुन, ना इनकी बातों का बुरा मान, ना इनकी बातों का अच्छा मान। हाँ, अब मुझे पता चल गया है दीदी कि जीजा जी तभी इस घर से बाहर जा पाएंगे जब वो अपने ऊपर आए हुए संकटों से बाहर आ पाएंगे, और मैं उनके सारे संकट दूर कर दूंगा। अब मैं तथाचार्य जी के घर जाऊंगा, बस फिर उनकी योजना जान जीजा जी को सब बता दूंगा। गुरुवर, महाराज गायब हो गया। हमें ज्ञात है महाराज, और इसी बात की पुष्टि करने हम आए। आपको ज्ञात है? तो वो जो महल से अर्थात घर से गया है उसे वापस भी तो लाना होगा। ये महाराज पंडित रामकृष्ण को वापस क्यों लाना चाहते हैं? जी महाराज, जो गया ही नहीं उसको वापस क्यों लाना है? हम तो कहते हैं उसे पकड़ कर वापस भेज देना चाहिए। नहीं गया तो फिर कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता? यही तो भ्रम है महाराज, वो यही है परंतु दिखाई नहीं देता महाराज, वो यही कहीं छुप कर बैठा है और यही उसका सबसे बड़ा कपट। छोरी कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो छुप कर कैसे बैठ सकता है? अगर छुपेगा तो दिख जाएगा सबको, वो सोने का हार है। किस हार की बात कर रहे हैं? वही हमारी महारानी के आभूषण चोरी हो गए हैं राजमहल से। गुरुवर आप किसकी बात कर रहे हैं? जो है परंतु दिखाई नहीं दे रहा। पंडित रामकृष्ण की? पंडित रामकृष्ण वो तो देश निकाल पर गए हैं ना? नहीं महाराज, वो नहीं गए, यही है, हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। क्या कह रहे हैं आप गुरुवर, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। पंडित रामकृष्ण कुछ भी कर सकते हैं परंतु हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं वो। ये भ्रम अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए गुरुवर। महामंत्री जी। महाराज। आप राजमहल के चारों तरफ रास्ता रोक दीजिए, जांच करवाइए, हमारी महारानी के आभूषण चोरी हो गए हैं, जिसने भी चोरी की है वो हमारे समक्ष होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, हमारे यहाँ आने से पूर्व ही हमें चोरी की खबर मिलते ही हमने ये सब कर दिया, और जिस किसी ने भी ये चोरी की है वो विजयनगर की सीमाओं को पार नहीं कर पाएगा महाराज। अद्भुत, परंतु महाराज हम कह रहे हैं। बस गुरुवर, आज की सभा यही समाप्त होती है महाराज। दरबार अभी लगा नहीं, सभा समाप्त हो गई, ये क्या हो गया? आपका समय समाप्त हो गया गुरुजी, अब चलिए। हा, घर में शांति कितनी अच्छी लगती है। अम्मा कहाँ गई? अम्मा, अम्मा अपना जाप खत्म करके सोने चली गई। अच्छा है, और वो साला? साला बोला? नहीं नहीं गोविंद, तुम्हारा भाई वो कहाँ है, एक जगह टिकता क्यों नहीं? वो मेरा भाई है, कोई गाय नहीं है जो खूंटे से बंद कर रहेगा। वैसे भी जहाँ भी गया आपकी मदद करने ही गया। मदद करने कहाँ गया है?
गुरुवर के घर। वो ये पता लगाने गया है कि गुरुवर आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचने वाले हैं, ताकि वो आपको बचा सके। ओ शारदा महोदया, अब पहले मुझे उससे बचना पड़ेगा। तुमने उस मूर्ख को रोका क्यों नहीं? मूर्ख बोला आपने उसे? हाँ। नहीं 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 बोला, नहीं बोला। बुद्धि के सागर बोला, प्रभावशाली बोला, होशियार बोला, तुमने उसको रोका क्यों नहीं? हम क्या करते, वो तो आपकी मदद करने के लिए गया था ना। मुझे स्वयं अपनी मदद करनी होगी, उसे रोकना होगा, सांप के बिल में हाथ डालना होगा, गुरुवर के घर जाना होगा। ये हमारी चुलबुली बहन इतनी मुरझाई भी क्यों दिख रही है? क्या हो गया इसे? जब किसी के ऊपर प्रेम का भंवरा मंडराता है तो वो स्वयं मंडराना छोड़ देता है। अरे मूर्खो, भगवान ने तुम्हें समझ तो नहीं दी, कम से कम सोच कर तो बोला करो। अनंता। भ्राताश्री। अनंता बहन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या बहन तभी भ्राता से बात करेगी जब कुछ होगा? लगता है हमने तुम्हें परेशान कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देखो देखो हम जाते हैं। नहीं भ्राताश्री, हम आपसे मिलने ही तो आए हैं गांव से। भ्राताश्री, आप महाराज से मिलने जाने वाले थे ना? हाँ। क्या कहा उन्होंने? हम महाराज को क्या समझाएं बहना, क्या यकीन दिलवाएं उन्हें? उनका तो पूरा ध्यान उस नौलखे हार पर लगा हुआ है, और वो हार भी अभी चोरी होना था। वैसे महाराज हो या प्रजा, जब बात पत्नी की आती है तो सबकी सोच पर मिट्टी पड़ जाती है। नहीं नहीं गुरुजी, गलती उस हार की नहीं है, गलती स्वयं आपके अपने भाग्य की है। और जब जब आप घोड़े को पानी पिलाने ले जाते, नदी ही सूख जाती है। भ्राताश्री, अब आप चिंता ना करें, अब समय आ गया है जब घोड़ा स्वयं दौड़कर हमारे पास आएगा, अर्थात आपके पास आएगा। बहना बहना, देखो उस घोड़े का विचार अपने मन से निकाल दो, वो पंडित हमारा दुश्मन है, और ये तुम्हें सदैव स्मरण रहना चाहिए बहना। चलो अब तुम विश्राम करो, और सुनो कहीं बाहर मत जाना, हम चलते। हाँ राधाश्री, आप भी तो थक गए होंगे ना, आप भी आराम कर लीजिए। नहीं बहना, हमें तन का नहीं मन का विश्राम चाहिए, और वो हमें तभी मिलेगा जब हम तुम्हें विश्राम करते हुए देखेंगे। तुम सो जाओ, हम और धनी मनी बहरा देंगे, ताकि वो घोड़ा घूमता फिरता यहाँ ना आ जाए। जी। बैठो। विश्राम को। जी। आओ धनी मनी। जी गुरु जी। सुनो। हाँ। पहरेदारी जो है वो उल्लू की आंखों जैसी होनी चाहिए। उल्लू तो तुम हो ही, बस अपनी आंखें उल्लू जैसी कर लो, ऐसे कोई भी तुम्हारी नजरों से बचकर नहीं जाना चाहिए, पंडित रामाकृष्णा भी नहीं। धनी पहरेदारी शुरू कर। हाँ, चल मेरे साथ बोल। जागते रहो, जागते रहो, जागते। We'll be right back.
गुरुवर तथाचार्य जी, गुरुवर तथाचार्य जी, क्या ये आप ही का घर है? बस खड़े रहोगे या फिर हमसे कुछ बातें भी करोगे? क्या बोलू, तुम किससे मिलने आए हो? गुरु और तथाचार्य जी, क्योंकि मुझे जानना है उनका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धनी वनी कोई आया तो नहीं? गुरुजी, मेरे होते हुए यहाँ पर चींटी भी पर नहीं मार सकती। चींटी के पर नहीं होते हैं, मेरे सपने में होते हैं। तुम क्या यहाँ छुपने आए हो? अरे बाहर आओ ना। अरे बाहर आओ। हाँ नहीं 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 नहीं, तू यहाँ कैसे आया? अपने पैरों पे चलकर आया। अच्छा, मुझे तो लगा सर के बल चल के आया। अरे यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? जीजा जी, मैं तो आपके लिए, आपकी चिंता मत बढ़ा। मेरी चिंता मत बढ़ा, तुझे यहाँ आने किसने बोला था? चलो जल्दी से भागते हैं। नहीं नहीं, द्वार से नहीं, खिड़की से भागते हैं। अच्छा भाई, इस अवस्था में नहीं तो चिल्ला देती। चल 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 चल, जल्दी से भाग। जीजा जी, बस एक कार्य कर दो। क्या? एक बार जय माता दी बोल दो। हाँ, नहीं नहीं, बोलो जोर से बोलो, नहीं तो ये बेचारी पत्थर की बनी रहेगी। ये पागल है क्या? मैं चिल्लाऊंगा तो गुरुवर नहीं आ जाएंगे। ये किसी ने हमारा नाम लिया क्या? जीजा जी, यदि आप नहीं बोलेंगे तो मैं जाकर बोलूं। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो। ये मेरी मूछ। से बोलो, कुछ नहीं हो रहा। सीता जी, जोर से बोलिए ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो, ओ जोर से बोलो। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। अनंता बुबा, वो यहाँ क्या करने आया था? अब तुम ही बताओ। जब हमने उसे उसके घर में छुपने लायक नहीं छोड़ा, तो क्या वो हमारे घर में छुपने आया था? पता नहीं, वो मिलने आया था। उसका इतना साहस, हमारे घर पर हमारी बहन को मिलने आया। वो आज तक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अब हमारी बहन को अपने साथ मिलाकर हमें कमजोर करना चाहता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तुम चिंता मत करो। गुरुजी, गुरुजी, देख लिया गुरुजी, अब तो पानी सर के भी ऊपर बहने लगा है, अब तो डूबना निश्चित है। हमने तो कहा था गुरुजी, लेकिन आपने हमारी बात पे विश्वास ही नहीं किया, अब हो गया ना। मुझे तो कहते हुए भी लज्जा आ रही है आपकी बहन और पंडित रामकृष्ण के बीच। विश्राम करो। पंडित रामकृष्ण पंडित रामकृष्ण, तूने हमारे अहंकार को चोट पहुंचाई। हम तुम्हारे सम्मान को अपने कदमों तले कुचल कुचल कर बदला लेंगे। कुचल कुचल कर। महाराज, महाराज, पंडित रामकृष्ण, अब हम पूरा सैन्य बल लेकर तेरे घर पर धावा बोलावा। महाराज, महाराज क्या हुआ? महाराज हम तो डरे गए। महाराज आप तो इतनी जोर से चिल्लाए, इतनी जोर से तो हम डरावने स्वप्न में भी नहीं चिल्लाते हैं। जी महाराज, स्वप्न में भी इतनी जोर से हम कभी नहीं चिल्लाते। आप सब अपने अपने स्वप्न से बाहर निकलिए। ये बताइए कि हमारा मुकुट कहाँ है? मुकुट कहाँ है हमारा? महाराज मुकुट तो आप सदैव अपने साथ ही रखते हैं। आप पूर्व की बात करिए महारानी जी, हम पूछ रहे हैं अभी कहाँ है हमारा मुकुट। महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वयं मुकुट को कहीं रख कर भूल गए हो? महामंत्री जी, जब से हमारा राज तिलक हुआ है, इस कक्ष के अतिरिक्त हमने अपना मुकुट कहीं नहीं उतारा है, और इस समय इस कक्ष में हमारा मुकुट नहीं है। तो गया कहाँ हमारा मुकुट? महाराज आप कल दरबार पहन कर गए थे वो मुकुट, और जब आप दरबार से आए तो मुकुट आपके दरबार से हम अपना सर वापस लेकर आए थे, तो अवश्य अपना मुकुट भी साथ लेकर आए होंगे। वहां रात दरबार में तो नहीं छोड़ दिया होगा हमने। अर्थात महाराज मुकुट की चोरी? नहीं नहीं महामंत्री जी, यह संभव है, हमारा मुकुट चोरी नहीं हो सकता है, असहनीय होगा हमारे लिए। मुकुट कहाँ है महामंत्री जी? कोतवाल जी, मंत्रीवर निगरानी का दायित्व आपका है, क्या कर रहे थे आप? मंत्रीवर, एक व्यक्ति रात्रि में अकेला निगरानी के अतिरिक्त और क्या कर सकता है? महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, महाराज निगरानी के अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। किसी को नहीं मालूम है कि हमारा मुकुट कहाँ है, कोई नहीं जानता है, पर हमारा मुकुट हमारे पास नहीं है, शर्म की बात है। निकल जाइए आप सब। नहीं, हमने कोतवाल से कहा, आप निकल जाइए यहां से। अच्छा ठीक है महाराज, हम अभी के अभी जांच पड़ताल करवाते हैं, आप चिंता ना करें। महाराज चिंता ना करें तो और क्या करें महामंत्री जी, हमारे कक्ष से हमारा मुकुट गायब हो गया और आप कह रहे चिंता ना करें। इसका दुस्साहस हो सकता है कि हमारा मुकुट गायब करे। महामंत्री जी, वो जो कोई भी हो, हमें हमारा मुकुट चाहिए, और साथ में उस व्यक्ति का सर भी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.